जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। ऑटो मोड सिस्टम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनने में जिला महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता विधवा व निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्त जन्म पेंशन, लाडली समाजी सुरक्षा भावना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सीधे 2500 रुपये हो गया है और अब 2750। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया है कि परिवार पहचान पत्र के जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और उनकी पति पत्नी की सालाना इनकम 2 लाख से कम है, उनका टाटा क्रेडिट की तरफ से ऑटोमेटिकली तरीके से सोशल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब वृद्धावस्था पेंशन ऑटोमोड सिस्टम से बनने लगी है। अब किसी भी बुजुर्ग को वृद्धावस्था भत्ता लेने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दिया जाए कि 430 बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमोड सिस्टम के माध्यम से बन चुकी है। अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि विभाग लोगों के उनके घर द्वार पर जाकर सम्मान भत्ता के कागजात पूरे करवाएगा और ऑटो मोड सिस्टम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में जिला महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर आया है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग एटी न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।